दखल प्राइड अवार्ड समारोह में दखल न्यूज के संवाददाताओं को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन सभी को वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने सम्मानित किया। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सभी का उत्साहवर्धन किया। दखल न्यूज को सदैव आपके हक में रखने वाली टीम के बेहतरीन संवाददाताओं को दखल प्राइड अवार्ड सेरेमनी में मंच साझा करने का अवसर मिला। समारोह में विशेष अतिथि ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने सभी दखल संवाददाताओं की तारीफ की और उन्हें दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा। दखल न्यूज के एंकर विशेष संवाददाता सत्यम शर्मा का मंच से जब नाम पुकारा गया तो वो अतिथियों के इंटरव्यू करने में व्यस्त थे। उनकी मेहनत के लिए उन्हें दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव भी अवार्ड सेरेमनी में शूट कर रहे थे। अचानक अपना नाम सुन के दौड़ते भागते हुए मंच पर पहुंचे और दखल प्राइड अवार्ड ग्रहण किया। दखल न्यूज के आंचलिक युवा पत्रकार रीवा के जवा इलाके के दुर्गेश यादव को युवा पत्रकारिता के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के बीच खोजपूर्ण खबरदारी करने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव पचौरी को उनके दीर्घ अनुभव के लिए दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। उनका अवार्ड छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मनोज राय ने ग्रहण किया। राजनीति और कला संस्कृति के गढ़ ग्वालियर के युवा पत्रकार अंकुर जैन को भी दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंगरौली और सीधी में आम लोगों और गरीब गुरबों की आवाज़ को खबर बनाने वाले पत्रकार संतोष द्विवेदी को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पत्रकारिता करने वाले धीरेन्द्र सिंह को आम लोगों के हक में खबरें करने के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।